स्वागत है आपका इंडिया वर्ल्ड में। मैं हूं नगमा, मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। अमेरिका में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। अमेरिका को 46वां राष्ट्रपति मिल गया है और 152 साल के इतिहास में ये पहली दफा था जब जो राष्ट्रपति जा रहे थे वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनसे पहले और राष्ट्रपतियों ने भी ऐसा किया है, पर ट्रंप ऐसा करने वाले 152 साल में पहले राष्ट्रपति बने। और ये कुल मिलाकर संकेत देता है कि अमेरिका में समय माहौल कैसा था। इसके अलावा जो इनॉग्रेशन समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह, उसमें जिस तरह की चहल पहल होती है, जो रौनक होती है, वो इस दफा कम थी क्योंकि उसके ऊपर कोरोना का भी साया था। 6 तारीख को कैपिटल हिल पर जो हिंसा हुई थी उसका भी साया था और लोगों की जगह 2 लाख अमेरिकी झंडे वहां पर नजर आए। बहरहाल नए प्रशासन ने बागडोर संभाल ली है। जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों इस नए बागडोर को थामे हुए हैं। और अब ये सवाल है कि आने वाली चुनौतियां उनके सामने क्या हैं, घरेलू चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नीतियां किस तरह से अलग होंगी। संजय, बहुत ही दिलचस्प इनॉग्रेशन और कई मायनों में अलग। बहुत सारी चीजें जो है वो पहली दफा हो रही थी। एक तो अमेरिका को पहली दफा एक महिला उपराष्ट्रपति मिली है और वो अलग बात है कि उनके साथ कई पहली चीजें जुड़ी हुई हैं। एशियन डिसेंट, साउथ एशियन डिसेंट की ब्लैक वुमन और ये तमाम चीजें जो है वो पहली दफे हो रही हैं। लेकिन अमेरिका में जिस तरह का माहौल रहा और जैसे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप विदाई के समय कहकर ये गए, उन्होंने खुद ही अपना विदाई समारोह ऑर्गेनाइज किया और कहा कि हम वापस आएंगे किसी न किसी सूरत में। बाइडेन कह रहे हैं कि ये अमेरिका का वक्त अब आ गया है, दिस इज अमेरिकाज डे। कुल मिलाकर जो घरेलू माहौल है और जो चुनौतियां होंगी बाइडेन के सामने, एक बहुत ही बटे हुए अमेरिकी समाज की, साथ साथ कोरोना की, कोविड की, उसके बारे में आपका विश्लेषण क्या है? नगमा जी, बाइडेन ने अपनी इनॉग्रल जो स्पीच थी, जो भाषण दिया, उसमें स्वयं ही स्पष्ट किया कि उनके 3 प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना है। सबसे पहले उन्होंने कोरोना की बात की, जिससे उनका इनॉग्रेशन होते होते मरने वालों की संख्या 4 लाख हो चुकी थी। और अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भी वो देश बन गया जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को, सबसे ज़्यादा लोग आहत हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं कोरोना की चपेट में आकर के। और दूसरी बड़ी चुनौती है जो उनका अधिकांश समय लेगी, वो कोरोना के चलते जो एक आर्थिक संकट की सौगात उनको मिली है, एक अप्रत्याशित सौगात है। कोरोना की सौगात अप्रत्याशित है, जो आर्थिक संकट की सौगात उनको मिली है वो भी अप्रत्याशित है। इस तरीके का संकट, इतनी भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो अमेरिका में है, हर वर्ग परेशान है। तीसरा जो उन्होंने अपना चैलेंज बताया, चुनौती बताई, वो है उनको, हाँ, एक बहुत ही विभाजित देश मिला है। लोगों के दिल विभाजित हैं, लोगों के दिमाग विभाजित हैं, और तीनों का उनको सामना करना है। अब देखना यह है कि ये इन तीनों का सामना किस प्रकार करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कोरोना के बारे में बात करें तो लक्ष्य स्पष्ट है। उन्होंने फिर से एक मेडिकल कम्युनिटी पर आस्था, साइंस पर आस्था, जो बार बार बात चल रही थी कि मास्क नहीं पहनना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोरोना कुछ नहीं, वो सब चीज़ें दरकिनार करके एक जो नॉर्मल मेडिकल, जिस तरीके से बाकी देशों ने इसका सामना करने की कोशिश की है, वो सब चीज़ें आप वापस आते हुए देखेंगे। एक जुझारूपन कि इससे लड़ना है, इसको कंट्रोल करना है, जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो आर्थिक संकट आएगा उसका भी सामना नहीं कर सकते हैं। आर्थिक संकट को लेकर के उन्होंने फिर से बड़े पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज का असर आप मार्केट में स्पष्ट देख रहे हैं, अमेरिकी मार्केट में देख रहे हैं, विश्व भर के मार्केट में देख रहे हैं। डॉलर की कीमत में तुरंत गिरावट आई है और आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो स्टिमुलस पैकेज देकर के कैसे इकॉनमी को जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, ये उनका दूसरा प्लैंक है आर्थिक संकट से जूझने का। देखें कितना वो सफल हो पाते हैं, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति से निपटने में देरी होती है तो अमेरिका जो एक दौड़ चल पड़ी है विश्व में देशों के बीच में, खासकर चीन के साथ जो दौड़ चल रही है, उसमें पिछड़ता चला जाएगा और बहुत तेजी से पिछड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। पर जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, जैसा आपने कहा ट्रंप नहीं आए, ट्रंप ने कहा वापस आएंगे। देखिए प्रजातंत्र में तो कोई भी कोई आता है कोई जाता है, आना जाना लगा रहता है,
लेकिन इस प्रकार की कड़वाहट के साथ जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो, तब वो इंगित करता है, इशारा करता है कि देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कोरोना के अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, आर्थिक संकट के अलावा और भी गहरी समस्याएं हैं जिनका सामना सबसे बड़ी चुनौती होगा बाइडेन के लिए और पूरे डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये पहलू जो हैं ये सबसे मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के और होने चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह ट्रंप ये कह के गए कि वो वापस आएंगे किसी सूरत में, उनकी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया भी अब उनके ऊपर चलेगी, और ये जो एक पेट्रियॉट पार्टी की भी उन्होंने बात की है, और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा एक उनका कैंपेन है, लेकिन चिंता की बात ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी अमेरिका की अभी भी ट्रंप के साथ है, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या होगी बाइडेन के लिए, क्योंकि जो कहा जाता है बार बार कि ट्रंप गए हैं, पर जो ट्रंपिज्म है वो अपनी जड़ें यहाँ जमा चुका है। देखिए, 7 करोड़ से अधिक लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। अगर 2016 का इलेक्शन देखें तो ट्रंप ने अपना वोटर बेस बढ़ाया है, कम नहीं हुआ है जी। हालांकि बाइडेन को उनसे ज्यादा वोट मिले, बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, करीब 8 करोड़ से ऊपर वोट मिले हैं बाइडेन को, और वो क्लियर मेजॉरिटी से, अगर लोगों की संख्या देखें, इलेक्शन कॉलेज को नहीं भी देखें, प्योर वोट्स को गिने, तो उनको एक ओवर 50% 51.4% मेजॉरिटी के साथ वो वास्तव में राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ट्रंप का जो बेस है और जो बेस का लगातार एक्सपेंशन हुआ है, उसके बारे में सोचना, चिंता करना और ये देखना कि ऐसा क्यों हुआ है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो ट्रंप जब कहते हैं कि मैं पेट्रियट पार्टी बना के वापस आऊं, या जिस रूप में भी आए, देखिए ट्रंप आए या ना आए, सबसे पहली चीज जो जिस प्रकार की कड़वाहट चल रही है, आपने देखा कि जब ट्रंप इलेक्ट भी हुए थे 2016 में भी जब उनका इलेक्शन हुआ था, तो विभाजन तो उसी वक्त शुरू हो गया था। डेमोक्रेट्स ने स्पष्ट कहा ये चुनाव जीते ही नहीं है जी। ये तो रूसी बल पर, रूस की मैच फिक्सिंग करने की वजह से चुनाव जीते हैं, और तुरंत ट्रंप के इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू होगी। तो ट्रंप के साथ जो ट्रंप जिन कारणों से ट्रंप आए हैं, उनके साथ एंगेज करने की बजाय, उन समस्याओं के बारे में विचार करने की बजाय, यदि ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है उस पर शुरू से ही उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाने में पूरा डेमोक्रेट एस्टैब्लिशमेंट लगा रहा, तो पहली गलती तो होगी। बिल्कुल। दूसरी गलती जो इम्पीचमेंट है, मैं उसको गलती मानता हूँ, ट्रंप जा रहे हैं जैसे भी हैं, अच्छे बुरे जैसे भी थे, निकल गए, छोड़ मचा के गए, रोके गए, बिलखते हुए गए, जैसे भी गए, खेंचतान के बाहर निकाले गए, जैसे भी निकाले गए, लेकिन राष्ट्रपति थे, और इम्पीचमेंट का इस वक्त अब कोई सेंस नहीं रह जाता है। और अगर सीनेट में फिर से इम्पीचमेंट बहस होती है, उसका वो एक सिंबॉलिक बहस होगी, उस अगर वो हो भी जाता है, रिपब्लिकन्स अगर साथ आ भी जाते हैं उनको इम्पीच करने के लिए, 2/3 बहुमत मिल भी जाता है, तो उससे अचीव क्या होगा? ट्रंप ना भी इलेक्शन लड़ पाए, ट्रंपिज्म जिंदा रहेगा, ना सिर्फ जिंदा रहेगा, उसको और बल मिलेगा, और अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा यही हो जाता है। तो ये जो किस तरीके से इस वक्त सबसे बड़ा प्रयास तो यही होना चाहिए कि कैसे देश में जो बिल्कुल विभाजन हो चुका है, दिलों का, दिमाग का, जो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, आज अमेरिका में जो बहस होती है पॉलिसी पर नहीं होती है, पॉलिसी पर बहस नहीं होकर के लोगों को नाम बोल करके, दाग करके, ये तो बिल्कुल कम्युनिस्ट बन गया है, ये तो सोशलिस्ट बन गया है, इसकी तो बात ही नहीं सुननी चाहिए, इस प्रकार से बहस होती है, तो ये कोई अच्छी बहस नहीं है, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवहार नहीं है। हालांकि बाइडेन ने अपनी स्पीच में स्पष्ट कहा जी कि हमें फिर से बातचीत और एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको फिर से शुरू करना चाहिए। तो देखिए अभी पर वास्तव में कितने सफल होते हैं ये सब काम करने में, आगे उनको कितनी सफलता मिलती है, लेकिन हाँ, चैलेंज बहुत बड़ा है बाइडेन के सामने। बाइडेन का रहा जो रास्ता है आगे का, वो आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा सही कि बहस की, बातचीत का स्तर बहुत गिरा है। हालांकि बाइडेन ये बात कही है तमाम लोगों से जिन्होंने उनके लिए भी वोट नहीं भी दिया होगा कि आप सबके राष्ट्रपति बनने का मुझे मौका दें, पर आपने सही कहा कि जब शुरुआत में ही जब ट्रंप चुने गए थे और हुआ था, एक हैशटैग चल पड़ा था नॉट माई प्रेसिडेंट, वो उसके बाद इम्पीचमेंट, तो ये जो कड़वाहट बढ़ी है, अगर वो अब भी
बढ़ती ही चली जाएगी तो अमेरिका के समाज के लिए एक बड़ा खतरा और बड़ी चुनौती बनी रहेगी। और वो तमाम चीजें जो ट्रंप के दौरान जो फैसले लिए गए उनको तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से एक अंडू करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जिसमें कि पेरिस क्लाइमेट समिट हो गया, WHO में वापस जाना, मेक्सिको की दीवार जो निर्माण जिसका चल रहा था उस पर रोक लगाना, ये तमाम फैसले तो आसान होंगे शायद जो कि फॉरन कर सकते हैं बाइडेन, ये तमाम फैसले वो लेंगे, पर उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां जो हैं या उसमें हम कह सकते हैं कि बदलाव क्या देखा जाएगा नीति में, अगर मसलन अगर हम ईरान की बात करें, हालांकि अगर आप इधर मिडल ईस्ट को देखें तो यहाँ पर फिर भी काफी एकजुटता दिख रही है। GCC का जो कामयाब एक समिट हुआ है उसके बाद में तो वहां शायद परेशानी कम होगी, पर ईरान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर इनकी नीतियों में क्या पिछली नीतियों से बदलाव देखा जाएगा? देखिए, साल के अंत में जब हमारा आखिरी एपिसोड था उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ट्रंप ने कूटनीति के बीच एक नए शब्दकोश की स्थापना की, कूटनीति को सौदेबाजी में परिवर्तित कर दिया और आर्ट ऑफ द डील जैसी चीज़ों पर ही पूरा कंसंट्रेशन रहा, और वास्तव में जो कूटनीति होती है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली। तो जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा, देखिए अमरीका के जो दूरगामी हित हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो सामरिक हित हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे। ट्रंप ने भी जो कार्य किए वे इन्हीं जो सामरिक महत्ता की चीज़ें थी उनको लेकर के वो भी लगातार लड़ते रहे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो नारा देते रहे, और वो हित वैसे के वैसे ही बरकरार रहेंगे। लेकिन शैली में एक बहुत भारी बदलाव आएगा, और शैली में बदलाव आने की वजह से जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी है उसकी पदचाप भिन्न होगी, उसके पदचिन्ह भिन्न होंगे, और उन जो भिन्न पदचिन्ह और पदचाप है उनके साथ विश्व को रहना होगा, सीखना होगा, उनका उपयोग करना होगा और अपने हित उसमें निकालने होंगे। तो जिन चीज़ों की आपने बात की, देखिए कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं क्योंकि शैली अलग है। तो बिल्कुल सबसे पहला फैसला था कि क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड में वापस आएंगे, उसकी दुनिया भर में स्वागत किया है, UN सेक्रेटरी जनरल ने स्वागत किया है, मैक्रो ने स्वागत किया है कि पेरिस अकॉर्ड फिर से अब एक लेजिटिमेट अकॉर्ड बन गया है, पूरा विश्व उसमें एक साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक साथ खड़ा है। दूसरा, उन्होंने WHO के में जो ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि हम WHO से बाहर निकल जाएंगे, वो फैसला तुरंत वापस ले लिया है। वो भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि किसी संस्था को छोड़ के उस संस्था को बल नहीं दिया जा सकता, संस्था को अगर बल देना है तो उसके अंदर ही रहना है। तो एक तरीके से फिर से जो अमेरिका ने एक मल्टीलैटरल विश्व व्यवस्था को चैलेंज किया था, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया था, वो अब नहीं रहेगा, तो विश्व के लिए एक मायने में अच्छी बात है, फिर से मल्टीलैटरलिज्म वापस ढर्रे पर आने वाली है। तो ये जो कुछ एक्शंस उनके हुए हैं वो ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। तो एक ही शैली में बदलाव, जो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम अपने जो गठबंधन छिन्न भिन्न हो गए हैं, चाहे यूरोप के साथ हों, चाहे जापान के साथ हों, चाहे कोरिया साउथ कोरिया के साथ हों, उनको फिर से संजोएंगे, फिर से उनको दुरुस्त करेंगे और दुनिया के साथ फिर से रिश्ते कायम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने इनॉग्रल एड्रेस में बोली, जो कि दूसरे देशों की तरफ इशारा कर रही थी, उन्होंने अपनी जनता को नहीं बोला, उन्होंने विश्व को बोला कि हम फिर से वापस, अमेरिका अब आइसोलेशनिस्ट नहीं रहेगा, अमेरिका अपने हितों की नहीं सबके हितों की बात करेगा। और फिर से जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही थी कि हम जो है जब बात करेंगे तो शक्ति का उदाहरण देकर नहीं करेंगे, हमारी शक्ति हमारा उदाहरण नहीं होगी, बल्कि हमारे उदाहरण जो हम कार्य करते हैं, जो हम हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे सिस्टम है, वो हमारी शक्ति होंगे, और उस उदाहरण की शक्ति को लेकर के हम विश्व व्यवस्था में सबके साथ नियमों के आधार पर चल करके कार्य करेंगे। तो एक शैली में बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर से जो कई चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी को लेकर के ट्रंप कई मायने में आंख बंद कर लेते थे, अगर दोस्त है तो सब सही है, दुश्मन है तो कुछ भी सही नहीं है। तो उनके झगड़े दोस्तों से भी होते थे, दुश्मनों से भी होते थे, लेकिन शैली उनकी थी कि एक अकेले डील को देख करके अपना फायदा नुकसान, नफा नुकसान देख करके उनका वार्तालाप होता था। तो एक सिस्टमिक अप्रोच नहीं थी। अगर आप मिडल ईस्ट की आपने बात की, मिडल ईस्ट में एक तरीके से मिडल ईस्ट में अच्छे पहल हुए, कई तरीके से जो मिडल ईस्ट में समझौते हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो,
चाहे यूएई के साथ हो, चाहे बहरीन के साथ हो, उनमें मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं स्थायित्व आया ज़रूर है, लेकिन उनके जो करने का ढंग था, मोहम्मद बिन सलमान और जारिद कृष्ण की दोस्ती के बीच बहुत सी चीज़ें हो गई। तो एक सिस्टम्स अप्रोच होने के बजाय, एक बड़ी जो पर्सनलाइज अप्रोच उनकी थी इन सब चीज़ों को लेकर के, वो अब नहीं रहेगी। अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल जो एक लेगेसी है वो वापस आकर के कायम होगी, और ये एक एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है फिर से अपना स्थान पा करके अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का संचालन करेगा। तो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम को जानकारियां होंगी, और ऐसा नहीं कि सिस्टम ही चौके के ट्विटर पे फैसले ले लिए गए। तो इस शैली में जो है वो कुछ बदलाव देखा जाएगा। चीन के प्रति कितना सख्त रवैया रहा डोनाल्ड ट्रंप का, ये हमने देखा। चीन उनका दुश्मन नंबर वन बना रहा लगातार। चीन के खिलाफ जो पॉलिसी या जो नीतियां उन्होंने अपनाई उसकी शैली जरूर बदलेगी शायद यहाँ पे, लेकिन बाइडेन के लिए दरअसल उसका जो मूल रूप होना चाहिए, जो भी नीतियां हैं उसको ज्यादा बदलने की गुंजाइश संजय जी अभी भी नहीं होगी। हालांकि उनका ढंग अलग हो सकता है, लेकिन चीन को लेकर जितने हमलावर ट्रंप रहे, इस प्रशासन में क्या आपको लगता है कि रुख किस तरह का होगा? शायद बातें हो सकता है कम हो, पर अप्रोच तो वही रखना होगा। देखिए, ढंग अलग होंगे और रंग भी अलग होंगे, और ढंग और रंग अलग होने की वजह से कई मायने में चीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वार्तालाप करना, उनके साथ रिलेशंस बनाए रखना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो चीन वास्तव में इस वक्त ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा बनिस्बत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ट्रंप का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था उनकी अनप्रडिक्टेबिलिटी, कब क्या कह दें क्या कर दें किसी को भरोसा नहीं था, और चीन को भी उसकी मार बार बार पड़ती रहती थी। तो चीन तो ट्रंप से बिल्कुल नाखुश था। बाइडेन के आते आते चीन का कहीं ना कहीं, चीन प्रयास कर सकता है कि शायद फिर से नॉर्मलाइजेशन के प्रति की ओर वो कदम बढ़ा सकता है, और उस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में फिर से उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकते हैं जिस प्रकार से उसको पहले मिले थे। आपको याद होगा किसिंजर एरा में उसके बाद तमाम इतने सालों तक वो कई बार एडवांटेज लेता रहा था। तो चीन का प्रयास रहेगा, और वास्तव में चीन देश दुनिया की आज नंबर दो शक्ति है, इकोनॉमिकली बड़ी शक्ति है। तो चीन के साथ न सिर्फ अमेरिका, अन्य देश भी कार्य करने को तत्पर दिखते हैं। तो जैसा बाइडेन ने कहा है कि हम गठबंधनों के साथ काम करेंगे, चीन के साथ भी गठबंधनों को लेकर के ही चलेंगे। तो जो यूरोपियन अलायंसेस हैं उनके वो सुदृढ़ होंगे, और यूरोपियन अलायंसेस हर चीज़ में चीन का विरोध करें जरूरी नहीं है, अमेरिका भी हर चीज में चीन का विरोध करे जरूरी नहीं है। क्लाइमेट को लेकर के, पेरिस अकॉर्ड को लेकर के चीन और अमेरिका और यूरोप साथ साथ खड़े मिल सकते हैं। किस तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का एक दौर फिर से शुरू होगा बाइडेन के आते, वो एक बहुत बड़ा अंतर है। यूनिलैटरलिज्म खत्म होगा, एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और कोऑपरेशन का दौर फिर से शुरू होगा, तो इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और कोऑपरेशन के बीच में चीन अपना रास्ता निकालना अच्छी तरह जानता है, चीन इसका आदि है। तो कई कंपनीज हैं यूएस में जो चाहती हैं कि चीन के साथ रिश्ते बरकरार बने रहें, वो भी खुश होंगे, कई चीनी कंपनियां भी खुश हो सकती हैं, उनको भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। तो कहाँ कंपीट करना है उसके बारे में भी बाइडेन को फैसला लेना आवश्यक है, क्यों कौन से क्षेत्र हैं आज स्पष्ट नहीं है, किन क्षेत्र में कंपटीशन होना है, किन क्षेत्र में कोऑपरेशन होना है, अगर कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो ये कई बड़े जटिल फैसले हैं जो कि ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, लेकिन कई सारी अन्य एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, इंटरेस्ट हैं जो ये फैसला लेने में घुसपैठ करेंगी। चीनी इंटरेस्ट भी हैं, अमरीकी इंटरेस्ट भी हैं, और इनके बीच में क्या फैसला निकल करके आता है वो अब देखने की बात है जी। और एक बार जल्दी से एक अगर मोटे तौर पर हम देखें इस बात को खत्म करने से पहले चर्चा को, कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ईरान और अफगानिस्तान का, और वहाँ पे क्या होगा साथ साथ भारत में, क्योंकि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ज़्यादातर जो अहम फैसले लेने वाले लोग हैं, जो प्रशासन में शामिल अहम लोग हैं, उनके साथ भारत पहले काम कर चुका है, क्योंकि खुद जो राष्ट्रपति अब हैं जो बाइडेन, वो बराक ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर रहे हैं।
तो ये एक आसानी है, और दूसरे की भारत जो है उसका जो सामरिक महत्व है वो अपनी जगह पर बना हुआ है। तो भारत का पहलू यहाँ पर एक नया अध्याय जब अमेरिका में शुरू हुआ है, यहाँ भी तैयारियां शुरू हो गई हैं नए प्रशासन के साथ काम करने के लिए। और दूसरी की अमेरिकी नया प्रशासन जो है वो अफगानिस्तान के मसले को किस तरह देखेगा? देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिकी पॉलिसी बदलने वाली नहीं है, तो जो ट्रंप सौगात छोड़ गए अफगानिस्तान में वो बरकरार रहेगी, और बाइडेन भी उसी दिशा में कार्य करेंगे, तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो बड़ा अंतर देखने को मिलेगा ईरान में मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट कर चुके हैं बाइडेन और जो लोग चुने हैं, चाहे एंथनी ब्लिंकन हो, चाहे जेक सलिवन हो, जेक सलिवन तो निगोशिएट किए थे JCPOA अग्रीमेंट और उनको वापस लेकर के आए हैं, तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो ईरान की न्यूक्लियर डील है वो वापस पटरी पर आएगी। और ईरान भी कह चुका है कि यदि अमेरिका वापस न्यूक्लियर डील को रिस्टोर करता है तो ईरान फिर से अपने कमिटमेंट जिनका उल्लंघन करता आ रहा है, ट्रंप के चलते ईरान ने उल्लंघन करना शुरू कर दिया था डील का, वो कहता है कि हम वापस उस डील के जो 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 चार दीवारी है उसके अंदर फिर आकर के काम करने को तैयार है। तो एक बड़ा अंतर आएगा ईरान के प्रतिरोध का। तो जिस प्रकार से एक तरीके से मिडल ईस्ट की पॉलिसी पूरी तरह रियाद से बन के आ रही थी, नेतन्याहू की तरफ से बन के आ रही थी, उसमें एक बैलेंस आएगा। तो मिडल ईस्ट में हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा अच्छी बैलेंस पॉलिसी आएगी। एक बड़ा अंतर जो आएगा तुर्की के लिए आ सकता है। आपको ख्याल होगा कि तुर्की को लेकर के एक तरीके से ट्रंप ने खुली छूट दे दी थी एक समय तुर्की को, जब उन्होंने जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो कुर्द थे, जो अब तक अमेरिका के सहयोगी थे, साथी थे, और आइसिस को परास्त करने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही थी सीरिया में, जो अमेरिकी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे आइसिस के खिलाफ, उनको एकाएक एकदम ट्रंप ने उनके नीचे से हाथ खींच लिया और तुर्की का साथ दे करके उनको बिल्कुल अनाथ छोड़ गए। तो ये जो कुछ घटनाएं हुई थी जिनमें तुर्की को बड़ा फ्री हैंड मिल गया, हालांकि उसका फायदा अमेरिका को नहीं मिला, तुर्की और अपना रूस के साथ मिलकर के अपना वर्चस्व चाहे वो मेडिटेरेनियन में हो या अन्य क्षेत्र में फैलाता रहा। तो तुर्की को लेकर के भी रुख में बदलाव आएंगे, क्योंकि आज जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मिडल ईस्ट में आज सिर्फ दो शक्तियां नहीं है, दो शक्तियों की होड़ नहीं है, तीन शक्तियों की होड़ आ गई है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन गया है। तो यहां अमेरिका को फिर से ट्रंप जो एक तरह से अपने को पूरी तरह से खींच लिए थे, फिर से रीएंगेज होने की आवश्यकता है, और JCPOA के माध्यम से अन्य माध्यमों से एक बैलेंस रोल प्ले करके कैसे बाइडेन इस मिडल ईस्ट का जो दलदल है उसको नेविगेट करते हैं, ये देखने वाली बात है। यूरोप उनके साथ रहेगा JCPOA को वापस रिस्टोर करने में, चीन भी उनके साथ रहेगा JCPOA को रिस्टोर करने के मामले में, वहां भी चीन और अमेरिका की ठनी हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मिडल ईस्ट का जो नेटवर्क है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और एक ज्यादा बैलेंस अप्रोच लेकर के बाइडेन के चलने की उम्मीद है यहाँ पर। तो भारत को भी उसी प्रकार से जैसे अन्य देश करेंगे, भारत के लिए जो अच्छी बात है, जैसा आपने कहा कि एक तो बहुत बड़ा इंडियन प्रेजेंस है हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो जरूर है ही, लेकिन अंततः वो लोग सब अमरीकी हैं और अमेरिका के हितों की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से वे अमेरिकियों के हितों की रक्षा करेंगे, भारत को भी अपने हितों को सर्वोपरि रख करके अपने हित देख करके चलना है, और वो चलेंगे भी। तो भारत के सामरिक महत्व कम नहीं होता, भारत का सामरिक महत्व अपनी जगह बना रहता है, लेकिन इस नई बिसात में कैसे भारत अपने हितों की रक्षा करता है वो भारत के ऊपर है। जी, और इसी के साथ इस दफा इस चर्चा के लिए इतना ही। आगे आने वाले दिनों में किस तरह के फैसले लेते हैं बाइडेन, और कैसे जो नया प्रशासन है उसके आगे की रणनीति या कूटनीति क्या होगी वो खुलती है उसकी परतें, तो हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।